Now we are going to do some practice questions related to chapter 6, which is life processes. It is one of the lengthiest chapter, but it is one of the most important chapters. First of all, tell me, define nutrition and what are the different modes of nutrition. So nutrition kya hota hai beta? Can you define the statement? Yes, beta. What is nutrition, beta? The process of intake of food and then utilizing the energy which is got from the digested food. ठीक है, हम energy सिर्फ intake नहीं करते, food is digested, broken down and its energy is being utilized. उस पूरी process को हम nutrition बोलते हैं. Different modes क्या होते हैं बेटा? एक तो autotrophic और एक heterotrophic. Yes, ये आपके different modes of nutrition आ जाते हैं. अब मुझे आप बताना बेटा, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई? फंजाई में क्या है बेटा, कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? यस बेटा, इट इज सैप्रोट्रॉफिक. यस यस बेटा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पिगमेंट व्हिच कैन अब्सॉर्ब सोलर एनर्जी. ऐसा कौन सा पिगमेंट है? हाँ जी, यस बेटा, क्लोरोफिल. हाँ जी, सोलर, क्लोरोफिल. सोलर एनर्जी मींस वो को सनलाइट. सनलाइट, हाँ जी, ओके. तो क्या होगा? क्लोरोफिल, एक अकेला क्लोरोफिल है. वो आपका क्या है, एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब कर सकता है, राइट? ये कौन है? अभी चल जाएगा, पता बेटा. नेम द टू स्टेजेस इन फोटोसिंथेसिस. क्या थी बेटा दो स्टेजेस? ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. नहीं नहीं, स्टेजेस बेटा, एक तो क्या थी, फोटोलाइसिस और मुझे पता नहीं. अरे बिल्कुल भी रिवाइज नहीं किया हुआ चैप्टर. एक तो क्या होता है, हम जो वाटर है उसको हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और दूसरा होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर लेते हैं इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. यस, चलो है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, यू हैव टू टेल मी व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट फोटोसिंथेसिस. मतलब अफेक्ट फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि उसकी रेट को अफेक्ट करते हैं, कि फोटोसिंथेसिस कभी ज्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, तो वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बेटा? टेल मी. कभी ऑक्सीजन कभी Yes. देखो आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ CO2, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोरोफिल, टेम्परेचर, ये सारी चीजें, ये जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको बताए, ये सारे क्या करते हैं? सनलाइट को इफेक्ट करते हैं. यस, सनलाइट. जैसे जिस दिन सनलाइट कम होगी, नेचुरल सी बात है, आपकी फोटोसिंथेसिस जो है वो कम होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यू हैव टू डिफाइन हर्बीवोर एंड अग्निवोर. कैन यू डिफाइन दैट अलोंग विद एन एग्जांपल? Yes, ma'am. बताओ फिर. The animals which eat only plants are called herbivores. Yes. Example. Carnivores क्या हो गए बेटा? जो आपके animal या फिर animal? Animals which eat only. Animals which eat only animal and meat are known as. अब क्या आप मुझे हर्बीवोर और कार्निवोर का एग्जांपल दे सकते हो? कार्निवोर का एग्जांपल लायन. यस, और हर्बीवोर का? टाइगर, चीता. चीता और हर्बीवोर? काउ. काउ. यस. व्हाट इज कंपनसेशन पॉइंट? गोट. ठीक है. व्हाट इज कंपनसेशन पॉइंट? इट इज द मैक्सिमम कंसेंट्रेशन CO2 एट व्हिच द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम. ओके, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन था ना 8, वी वर टू डिस्कस इट लेटर ऑन, तो इसको मैं स्किप कर रही हूँ अभी. आई कुड नॉट सी दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ वेयर डज डाइजेस्ट. हाँ बताओ, दिख रहा है ये क्वेश्चन? हाँ हाँ, कोई बात नहीं. हाँ हाँ बताओ. अदर देन क्लोरोफिल, इट अदर देन मैं देख
क्लोरोफिल के अलावा वाटर पिगमेंट बेटा, द वर्ड इज पिगमेंट, पिगमेंट पिगमेंट होते कौन से फिर बताना माउथ से, ठीक है। तो आपको एट क्वेश्चन का आंसर मिल गया, इट इज कैरेटिनॉइड्स। और जो हमारा डाइजेशन है वो कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, माउथ में। यस दीपांशु, आप बता सकते हो माउथ में कितनी तरह के डाइजेशन होती है? माउथ में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन माउथ? इट्स फिजिकल एंड केमिकल, ठीक है बेटा। फिजिकल हमारे दांत करते हैं, वो खाने को च्यू करते हैं, और जो सिलाइवा है इट अंडरगोस केमिकल डाइजेशन, ठीक है बेटा। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके, नेम द, व्हाट इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द अब्सॉर्ब्ड फूड फॉर द फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी? हाँ जी, इसको क्या बोलते हैं हम? एसिमिलेशन, इट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। Yes, it is called the assimilation process. Okay, beta. Chalo, next. What happens to the visible light of the sun when it falls on chlorophyll? Jab wo chlorophyll ke upar hamari jo light hai sun ki, when it falls, what happens? Kya hota hai? Yes. Yes. So chlorophyll gets activated and it absorbs the sunlight. ठीक है, एंड रिफ्लेक्ट बैक द ग्रीन लाइट। जो ग्रीन स्पेक्ट्रम होता है उसको वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, बाकी सारा स्पेक्ट्रम वो अब्सॉर्ब कर देता है, एंड दैट वुड लीड टू क्या करता है वो, फोटोलाइसिस, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर देता है वो, ब्रेक डाउन कर देता है। यस नेक्स्ट बेटा, अब ये मुझे इक्वेशन आप बना के बताओ, नेम द प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है बेटा, प्रोडक्ट क्या बनता है फोटोसिंथेसिस में? इट्स ग्लूकोज, यस। और बाय प्रोडक्ट क्या होता है? बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा वेस्ट। फोटोसिंथेसिस का वेस्ट क्या होता है बेटा? यस, जो फोटोसिंथेसिस का वेस्ट है वो क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन। ओके, प्रोडक्ट क्या बना? ग्लूकोज। और बाय प्रोडक्ट होता है आपका ऑक्सीजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बायोकेमिकल फॉर्म द फोटोसिंथेटिक जो भी बनता है मूव्स इन फ्लोएम टिश्यू? फ्लोएम टिश्यू में क्या चीज मूव करती है? इज इट ग्लूकोज? ग्लूकोज तो नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज मैंने आपको बताया था इट इज रेडिली सोल्यूबल इन वॉटर। तो वो क्या होता है, अगर जैसे ही बनता है वैसे ही पानी में डिजोल्व हो जाता है, तो प्लांट क्या करता है, प्लांट उसको कन्वर्ट कर देता है इंटू स्टार्च। तो जो फ्लोएम में मूवमेंट हो रही है दैट इज ऑफ स्टार्च, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। व्हेन मूवमेंट ऑफ स्टार्च टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यू, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। यस, नाउ दीपांशु, ये आप मुझे बता पाओगे कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस? यस, फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स क्या क्या होते हैं? हमें फोटोसिंथेसिस मूवमेंट अगर प्रोसेस अगर करनी है तो व्हाट विल बी द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड? पहला तो हमें CO2 चाहिए, यस, और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद व्हाट वी नीड? वी नीड वाटर, यस, देन वी नीड सनलाइट, यस, हाँ जी बेटा। So, what are the raw materials of photosynthesis? I told you it is, क्या क्या होता है बेटा? Yes बेटे, it is, अरे कहाँ गए सबके सब? इधर ही हूँ। अच्छा जी, फिर raw materials बताओ ना बेटा, carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll, okay? चलो नेक्स्ट इज, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन क्लोरोफिल एंड हीमोग्लोबिन? शीतल, आई होप यू आर गेटिंग माय वॉइस नाउ। चलो सिमिलैरिटी बिटवीन क्लोरोफिल एंड हीमोग्लोबिन, दोनों के दोनों
पिगमेंट्स हैं, दे आर पिगमेंट, ठीक है. हीमोग्लोबिन जो है इट हैज गॉट ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, वेयर एज क्लोरोफिल हैज गॉट अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कैप्चरिंग द सनलाइट. तो इनमें क्या है कि इनकी यूनिकनेस है, दैट इज द सिमिलैरिटी. वो दोनों के दोनों क्या है, पिगमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स हैं. देन बेटा नेम द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोलाइसिस. सबसे पहले तनीषा आप मुझे बताओ व्हाट इज फोटोलाइसिस, व्हाट डू यू मीन बाय फोटोलाइसिस. फोटो मतलब सनलाइट एंड लाइसिस मतलब टूटना. वॉटर मॉलिक्यूल का टूटना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोलाइसिस. तो हमें क्या मिल जाता है, टू प्लस ओ टू. यस, अब ये ना क्वेश्चन आता है बेटा, ये वन मार्क का क्वेश्चन. आई थिंक मैंने डीसी मॉडल के प्री बोर्ड में देखा था कि जो ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में कहाँ से आता है, इट इज डिराइव फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल और इट इज डिराइव फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड. तो वहां पे ऑप्शन आता है हमारे दिमाग में, वो क्या आता है कि हम O2 देख लेते हैं CO2 में, तो हम CO2 लिख आते हैं. बट इस CO2 की रिडक्शन होती है, उसमें हम ऑक्सीजन को निकाल नहीं रहे हैं, ठीक है. हम जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. तो जो वो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है दैट इज फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल. ओके बेटा, यस. चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. लाइट डिपेंडेंट कौन सी हुई, यही वाली हुई फोटोलाइसिस. मतलब लाइट डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ बेटा, जिस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए लाइट की जरूरत पड़े उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ओके उसे हम क्या बोलते हैं बेटे, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. शीतल इन केस अगर आपको मेरी आवाज नहीं भी आ रही तो स्क्रीन तो दिख रही होगी बेटा, आई होप. इन केस आपको स्क्रीन भी नहीं दिख रही है तो देन द लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड, अदरवाइज यहाँ पे आवाज आ रही है. तनीषा दीपांशु आपको कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा मेरी वॉइस में? नो मैम. मैम वो फोन से कर रही है पहली बारी तो उसने शायद से ज्वाइन भी ऑडियो नहीं करा होगा. हाँ ये हो सकता है क्योंकि वो इसीलिए क्योंकि इसका ना म्यूट का बटन आ रहा है ना कुछ और आ रहा है, सो दैट इज वाई शायद मे बी कोई प्रॉब्लम हो, पता नहीं. चलो व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स क्या हुए बेटा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके नाउ टेल मी व्हिच सेल ऑर्गेनली इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. कौन सी सेल ऑर्गेनली है जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है, कौन सी है बेटा, क्लोरोप्लास्ट. यस इट इज क्लोरोप्लास्ट. यस नाउ द नेक्स्ट. बच्चे ये आप साथ साथ लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो? नहीं लिख तो नहीं रहे हो, फिर याद भी नहीं रहेंगे बेटा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेटरोट्रॉप्स एंड सेप्रोट्रॉप्स. देखो बेटा जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं उनके अंदर क्या होगा, ठीक है बेटा. ये आपने अच्छा किया कि मैसेज कर दिया उसको. चलो बेटा देखो जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं उसमें आपको पहले फूड को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, ठीक है, इनटू सिंपलर फॉर्म. क्योंकि जो हेटरोट्रॉप्स होंगे ऑब्वियसली ऑल्दो दे आर प्लांट डिपेंडेंट एनिमल्स दे ईट ओनली, मतलब हेटरोट्रॉप्स मतलब क्या है कि डिफरेंट मोड्स ऑफ, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, नॉट हर्बीवोर्स, आई वाज टेकिंग इनटू माइंड हर्बीवोर्स. सो इट इज लाइक वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दे मे टेक द प्लांट फूड, दे मे टेक एनिमल एज देयर फूड. सो उनके में डाइजेशन कैसे होगा, द कॉम्प्लेक्स फूड हैज टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फूड्स. Whereas in case of saprotrophs, what happens is they rely on dead and decaying matter. So what happens, the food is already there in the simplified form. So ये क्या करते हैं, simply उसको absorb करते रहते हैं. तो इनके पास वो जो digestion वाला step होता है वो सारा बीच में कट जाता है, because they are already there in the decaying matter. वो matter अपने आप ही खुद को simpler बनाने में लगा हुआ है. So उनका workload जो है वो आधा हो जाता है. Clear बेटा? Yes. चलो. Now, beta, give two examples of two plants and two animal parasites. दे सकते हो बेटा? ये तो अमरबेल और कसकटा, animal parasites leech और leech के बाद और कौन सा होता है बेटा animal parasites? Leech के अलावा everyone is please pay attention, two animal parasites kya ho gaye beta, it is leech and tapeworm, theek hai. ye sare hamare kya hote hain, parasites hote hain. now dipanshu tell me beta which enzyme is present in saliva.
कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है बेटा? सलाइवरी अमाइलेज, यस। एंड व्हाट इज इट्स रोल इन डाइजेशन? ये क्या करता है बेटा? स्टार्च को किसमें तोड़ रहा है? इनटू सिंपलर फॉर्म, क्योंकि अमाइलेज इट इज एक्टिंग ऑन द स्टार्च। ओके, अच्छा अब बताएंगे मुझे तनिषा, यू टेल विच केमिकल इज यूज टू टेस्ट फॉर स्टार्च एंड विच कलर शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च? हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं? यस बेटा, आयोडीन। और कौन सा कलर आता है बेटा जो स्टार्च की प्रेजेंस दिखाता है? ब्लू ब्लैक कलर। ओके, इट्स द ब्लू ब्लैक, पर्पल टाइप। हाँ बिल्कुल, वो ब्लू ब्लैक कलर होता है बेटा, पर्पल तो नहीं कह सकते, ब्लूइश ब्लैक कलर आएगा उसका, और आयोडीन होता है वो। ठीक है, इसको याद रखना। नाउ हाउ डज अमीबा एनगल्फ इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स फॉल्स टीथ व्हिच इज सुडोपोडिया? ओके, now we will skip this question, digestive system of a grasshopper. Okay, we have not covered this thing. So now the next question is, Anji, it is important. What are the functions of liver? Can anyone tell me functions of liver? And pancreas. Functions of liver. क्या करता है बेटा? ये बाइल जूस सिक्रीट करता है। तो बाइल जूस का क्या काम होता है बेटा? पहला काम क्या होता है कि इट विल न्यूट्रलाइज द स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पे क्योंकि एसिडिक आ रहा है तो ये एल्कलाइन बना देता है उसको। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन को। दूसरा बेटा, इट विल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब जो फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स थे उनको ब्रेक डाउन कर देता है इंटू सिंपलर स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स फॉर इजी डाइजेशन ऑफ फैट्स। ओके, ठीक है बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड उसके ये फंक्शंस होते हैं। देन बेटा पेनक्रियास क्या करता है बेटा? थ्री इंपॉर्टेंट एंजाइम सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूसेस की हेल्प से। क्या होता है पेनक्रियाटिक? अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड एक और होता है, वो कौन सा होता है? लिपेज। ओके, तो ये क्या करते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी इनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनको ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे जो आपका पेनक्रियाटिक अमाइलेज है वो स्टार्च के ऊपर वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है, नॉट स्टार्च, स्टार्च इज देयर इन प्लांट्स ओनली। ओके, सो ये आपके जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर रहा है। देन यू हैव लिपेज, ये आपके फैटी एसिड्स को तोड़ता है, लिपिड्स को तोड़ेगा और इनको बिल्कुल सिंपलर ग्लिसरॉल में बिल्कुल ब्रेक डाउन कर देता है। देन ट्रिप्सिन, वो आपके प्रोटीन्स को तोड़ता है। ठीक है बेटा, नाउ डिफाइन ब्रीदिंग। आई होप ये तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, डिफाइन ब्रीदिंग। यस, the process of intake of oxygen and giving out of carbon dioxide is known as breathing, in which lungs expand and contract respectively. Okay, exhalation and inhalation, it's a kind of physical process which consists of two main components, exhalation and inhalation. So how is respiration different from breathing? Ab beta respiration jo hai wo breathing se alag kaise hai? Because breathing jo hai beta, it is a physical process. Okay, ye ek physical process hota hai, whereas respiration is a chemical process. Breathing aapka ek concept hai which is like in which lungs are involved, whereas in kind of respiration it is a biochemical process which is taking place inside the cell. Okay, mitochondria mein ho raha hai ye, jo bhi oxygen aap leke ja rahe ho usse aap food ko break down kar rahe ho in order to release energy. Yes, now tell me शीतल, अगर आप सुन पा रहे हो तो आप मुझे बताओ बेटा, इन विच काइंड ऑफ रेस्पिरेशन मोर एनर्जी इज रिलीज्ड? इज इट एनएरोबिक और एरोबिक? यस तनिषा, इफ यू नो देन यू टेल मी। यस बेटा, मोर एनर्जी किसमें रिलीज होगी, एरोबिक या एनएरोबिक? तो इट विल बी एरोबिक। यस ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, विच पार्ट ऑफ द रूट्स इज इन्वॉल्व्ड इन एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस? अब एक्सचेंज जो हो रहा है रेस्पिरेटरी गैसेस का, वो कहाँ पे हो रहा है? रूट हेयर, बिकॉज उनकी जो स्किन होती है वो बहुत 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 पतली होती है, सो दैट मेक्स वेरी वायबल फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू गो एंड क्रॉस द थिंग्स। ओके, नाउ व्हाट आर स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स? कैन एनीवन टेल मी what are stomata? Stomata are the openings which are found on the undersurface of a leaf. Yes, and they help in photosynthesis, a gaseous exchange which is required for photosynthesis and respiration. And lenticels, they are the openings which are present on the stem. Theek hai ji, ab hai beta
give me two points of difference between respiration in plants and respiration in animals. क्या दो points होते हैं? How is it different? Plants में respiration कैसे अलग होती है और animals में कैसे अलग होती है बेटा? Yes? रेस्पिरेशन जो एनिमल्स में होता है कैसे होता है बेटा? उसमें क्या रहता है कि आपका जो स्टेप है वो एक फर्स्ट स्टेप जो होता है वो कॉमन होता है, ठीक है? उसमें क्या रहता है, आप जो भी फूड ले रहे हैं उसको हम ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू पाइरूवेट, ओके? ग्लूकोज को हम तोड़ के पाइरूवेट के फॉर्म में रख लेते हैं। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल, अगर आपकी एरोबिक है तो इट विल ब्रेक डाउन इनटू CO2 एंड रिलीज अ लॉट ऑफ एनर्जी। If there is no oxygen present, तब आपका ethanol बन जाता है, okay? And when there is lack of, हाँ जी, when there is lack of, ना तो सुन कर रही हूँ, sorry, तो नीचे आप बोल रहे हो कुछ? हाँ जी, so lactic acid बनता है जब आपकी lack of oxygen होती है, whereas in case of plants nothing like this happens. और एनिमल्स में यू हैव ब्रीदिंग एज वेल एज रेस्पिरेशन, सो देयर इज अ कॉम्बी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, वेयर एज इन केस ऑफ प्लांट्स लंग्स, देयर आर नो लंग्स, सो देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट, द रेस्पिरेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा ओनली, स्टोमेटा से ही गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है जी? नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यू हैव टू टेल मी द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ फिश। फिश में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है बेटा? इट्स गिल्स। मॉस्किटोज में क्या होता है? ट्रेके। अर्थवर्म में मॉइस्ट स्किन। डॉग में इट इज लंग्स, ओके जी? अब है सेम थिंग, अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस? एपिग्लॉटिस जो है इट्स अ काइंड ऑफ कवरिंग व्हिच इज देयर ऑन द विंड पाइप, जहां पे आपका माउथ फिनिश हो रहा है, द थ्रॉट इज गोइंग टू स्टार्ट। तो जब आप खाना इनहेल, खाने को स्वॉलो करते हो, तब क्या होता है, अब खाना तो डोंट नो ना कि उसको फूड पाइप में जाना है कि विंड पाइप में जाना है, सो व्हेन देयर इज अ रिफ्लेक्स कि यस यू आर ईटिंग द फूड एंड यू आर गोइंग टू स्वॉलो द फूड, सो एट द वेरी मोमेंट वो एपिग्लॉटिस, ये विंड पाइप है तो एकदम से बंद हो जाती है, सो दैट फूड डजंट एंटर इनटू द विंड पाइप एंड चोक इट। तो वो कहां जाता है फिर फूड? फूड पाइप्स के थ्रू ही वो इट मूव्स डाउन टू द स्टमक, ओके? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तभी जब आप बोल रहे हो तो आप एकदम से कुछ बात करते हो या हंसते हो खाना खाते हुए तो एकदम से आपको कफ आ जाती है, बिकॉज समहाउ द फूड गेट्स ऑन टू एंटर द विंड पाइप, तो एकदम से ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है हमारी बॉडी का, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत बड़ी इमरजेंसी है, बिकॉज अगर हमारी विंड पाइप चोक हो गई तो वी विल नॉट लिव, ओके? डिफाइन फोटोलाइसिस, ये हम अपने आप अभी हमने ऊपर कर चुके हैं, सो व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? हेट्रो आपको बताई थी वेन फूड इज बींग स्वॉलोड, तो हमारे जो इसोफेगस है ये मूवमेंट कॉज करते हैं, विच इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, ओके? फ्री सिक्रेशंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, क्या होती है बेटा? थ्री सिक्रेशंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, दे आर HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन, ओके? देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस? म्यूकस क्या करता है बेटा, जो भी स्टमक है उसके इनर लाइनिंग को कवर अप कर देता है, सो दैट व्हेन HCl इज बीइंग सिक्रेटेड आउट, एज HCl इज एन एसिड और उसका एक कोरोसिव एक्शन होता है, वो आपकी स्टमक वॉल्स को भी करोड कर सकता है, तो इट विल डैमेज योर स्टमक वॉल, सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट इफेक्ट, हमारे जो एक स्टमक है उसमें म्यूकस सिक्रेशन लगातार होती है, एंड दैट प्रिवेंट्स द HCl फ्रॉम कॉजिंग कोरोजन, ओके? नाउ नेम द स्प्लिंटर व्हिच रेगुलेट्स द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक, यस इट्स पाइलोरिक स्प्लिंटर, ओके जी? नाउ गिव द फंक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना, ऑल्दो इट इज एसिड इन नेचर, स्टिल इट इज बींग सिक्रेटेड इन आर बॉडी, अब क्यों सिक्रेट किया जाता है? व्हाट इज द नीड ऑफ सिक्रेटिंग एन एसिड? एसिड जो है बेटा सबसे पहले क्या है, देखो हमारी बॉडी इट के नॉट, मैंने आपको बताया था ना, हर चीज को एनर्जी टर्म्स में सोचता है, देखो व्हेनेवर यू हैव टेकन योर फूड, ऑल्दो आपका जो माउथ है इट इटसेल्फ इज वेरी कॉन्शियस अबाउट द काइंड ऑफ जर्म्स यू नो द फूड मे ब्रिंग, बट स्टिल समहाउ इफ एनी ऑफ द जर्म्स दे एंटर द फूड अलॉन्ग विद फूड इन द स्टमक, सो स्टमक व्हाट हैपेंस, वहां पे आपका HCl ऑलरेडी प्रेजेंट है,
अगर कोई pathogenic germs वहाँ पे आते हैं तो they will get destroyed under the effect of HCl. Secondly, जो ये protein है, जो हमारा enzyme है pepsin, इसको secrete करने के लिए it is present in an inactivated form. इसको नींद से जगाने के लिए we need an acidic medium. So जब तक वहाँ पे HCl secrete नहीं होगा, pepsin जो है वो अपना काम नहीं कर सकता. पेप्सिन को काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, तभी वो आगे अपना काम शुरू करता है, अदरवाइज वो काम नहीं कर सकता. ओके, सो व्हाट इज द रोल ऑफ पेप्सिन? रोल होता क्या है? इट स्टार्ट्स ऑन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है बेटा, प्रोटीन्स की डाइजेशन जो है वो शुरू कर देता है. देन बेटा, व्हाई पेनक्रियास इज कॉल्ड अ मिक्स्ड ग्लैंड? देखो बेटा, हम इसे मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए बोलते हैं, एक तो पहली चीज तो आप ये समझो कि जो ये पेनक्रियाज है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब वो इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ वन थिंग, कि एक तो ये डाइजेशन में हमारी हेल्प कर रहा है, दूसरा ये एंडोक्राइन सिस्टम में भी इसका बहुत बड़ा रोल है. तो मिक्स्ड ग्लैंड इसीलिए है कि एक तो डाइजेस्टिव डाइजेशन प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए इट इज सिक्रेटिंग आउट पेनक्रियाटिक जूसेस, जिसमें आपके तीन एंजाइम्स थे, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लिपेज. एंड सेकेंडली, इट इज सिक्रेटिंग इंसुलिन, जो आपके ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करती है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड. सेकेंडली, दूसरा रीजन क्या है इसका? पेनक्रियास जो है, इट इज डक्टलेस ग्लैंड एज वेल एज डक्ट ग्लैंड, तो ये एक तरह का मिक्स्ड ग्लैंड है. नाउ गिव टू फंक्शंस ऑफ बाइल जूस, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं. फ्रॉम विच ऑर्गन इट इज रिलीज? इट इज रिलीज फ्रॉम लिवर. यस, लिवर सिक्रेट करता है इसको, उसके बाद ही गॉल ब्लैडर स्टोर करता है. तो गॉल ब्लैडर इसको धीरे धीरे सिक्रेट करता रहता है. सो नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, इट इज, यस इट इज लिवर. यस, नेम थ्री इंपॉर्टेंट एंजाइम्स ऑफ पेनक्रियास एंड द फूड कंपोनेंट ऑन व्हिच दे एक्ट. तो ये हम अभी बात कर चुके हैं. वेयर फ्रॉम इंटेस्टिनल जूस कम टू द स्मॉल इंटेस्टाइन? कहां से आते हैं इंटेस्टिनल जूसेस? ये आते हैं बेटा इंटेस्टिनल वॉल्स में से, अलॉन्ग विद पेनक्रियास. यस, पेनक्रियाटिक जो सिक्रेशंस हैं वो भी वहां पे आती हैं एंड इंटेस्टिनल वॉल्स. यस, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटेस्टिनल जूस? ये हम कर चुके हैं डिस्कस. इंटेस्टिनल जूस में बेटा क्या होता है कि एक तो आपका बाइल जूस बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें. वो क्या करता है? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी ये बताया है कि जो बाइल जूस है, इट विल मेक द प्लेस अल्कलाइन. देखो, जो स्टमक में फूड आया, नाउ इट इज बीइंग, मतलब उसको हमने HCl के साथ मिक्स कर लिया, राइट? सो जब आपने HCl के साथ मिक्स किया तो नेचुरली वो एसिडिक बन गया. अब स्टमक ने तो अपनी प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान रखा हुआ है. इट हैज गॉट म्यूकस ऑल ओवर, स्प्रेड ऑल ओवर इट्स वॉल्स. ओके, लेकिन जब वो एसिडिक फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, इट विल करोड द स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई. अब हम म्यूकस कहाँ से लेके आए? सो व्हाट हैपेंस, नेचर इंस्ट्रक्टेड लिवर टू सिक्रीट सच काइंड ऑफ एंजाइम विच डज ड्यूअल रोल. पहला काम उसने क्या किया? फटाक से वो एरिया को अल्कलाइन बना दिया. सो व्हेनेवर एन अ बेस कम्स इन कांटेक्ट विद एन एसिड, इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट. पहली चीज क्लियर हो गई. दूसरा, अभी हमारे जो फैट मॉलिक्यूल है वो बहुत अनडाइजेस्टेड फॉर्म में आ रहे, उनको ब्रेक डाउन करना बहुत मुश्किल होता है. सो उनको ये क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करता है बाइल जूस. उसका यही फायदा होता है कि वो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटा छोटा बना देता है, सो दैट उसका सर्फेस एरिया बढ़ गया और उसको ब्रेक डाउन करना ईजी हो गया. तो फर्स्ट स्टेप जो है वो करके बता देता है. नाउ यू हैव टू टेल द सिंपलेस्ट डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. क्या बनेगा बेटा? कार्बोहाइड्रेट का क्या बनता है? ग्लूकोज. यस, फैट्स का इट्स फैटी एसिड्स, और प्रोटीन का लिपिड्स. फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल लिख देते हैं साथ में हम ना, ठीक है. अब बेटा, नेम द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या होते थे बेटा? दे आर विलाय. यस, एंड व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ सच टाइप ऑफ प्रोजेक्शंस? अब इसकी नेसेसिटी क्या है बॉडी में? क्योंकि मैंने आपको बताया, हमारी बॉडी में एवरीथिंग अकाउंट्स एनर्जी. हर चीज में एनर्जी लगती है. आप वेस्ट बाहर निकाल रहे हो, उसमें एनर्जी लग रही है. आप ब्रीथ इन कर रहे हो, एनर्जी लग रही है. आप खाना डाइजेस्ट कर रहे हो, एनर्जी लग रही है. अब हमने खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो गया, सो अब हमारी बॉडी इट गिव्स द बेस्ट कि इसमें से जितना पॉसिबल हो सके हम यूजफुल न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में ही रख लें, सिर्फ अनवांटेड वेस्ट बाहर जाए.
अदरवाइज वो बाहर अलाउ नहीं करता. सो व्हाट हैपेंस, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो खाना अब्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या है, विलाय की वजह से क्या हो जाता है, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत बड़े एरिया से क्रॉस कर रहा है एंड देयर आर चांसेस, ऑब्वियसली चांसेस बढ़ जाते हैं आपके रीअब्सॉर्प्शन के. ओके बेटा, सो अब ये व्हाई आर इंटेस्टाइनल विलाय इज हाईली वैस्कुलर. हाईली वैस्कुलर का मतलब क्या होता है कि वहां पे बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई है. ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होने का यही होता है कि जो भी डाइजेस्टेड फूड था उसको फटाफट ब्लड जो है उसको कैरी कर रहा है दूसरे दूसरे पार्ट्स में, बाकी बॉडी पार्ट्स में. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनल स्फिंक्टर? इट रेगुलेट्स द कमिंग आउट ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड विच इज देयर इन द फॉर्म ऑफ फीसेस. नेम द साइट ऑफ एनएरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन इन अ सेल. एरोबिक रेस्पिरेशन तो बेटा साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यस, और एनएरोबिक कहाँ होगी, जैसे मसल टिश्यू में. ओके, देन यस, अ थ्री कार्बन कंपाउंड इज द कॉमन प्रोडक्ट ऑफ बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक पाथवे. व्हाट इज दैट? ये जो थ्री कार्बन कंपाउंड है ये है बेटा पाइरुवेट. ओके, इसको हम पाइरुविक एसिड भी बोलते हैं, पाइरुवेट भी बोलते हैं. इसे हम ग्लूकोज को तोड़कर, ग्लूकोज होता है सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल, उसको तोड़ के हम क्या बना देते हैं, पाइरुवेट, आधा काम करके रख लेते हैं, फिर एज एंड देन रिक्वायर्ड. तो थ्री कार्बन मॉलिक्यूल में तोड़ के रख लेते हैं, दैट इज योर पाइरुवेट. ओके, ओके, यस. नाउ बेटा, व्हाई डू वी गेट मसल क्रैम्प आफ्टर विग्रस एक्सरसाइज? हमें मसल क्रैम्प क्यों होता है व्हेन वी डू अ लॉट ऑफ यू नो वेरी हार्ड एक्सरसाइज? बिकॉज जब आप बहुत ज्यादा विग्रस एक्सरसाइज करते हो, देयर कंडीशन बिकम्स लैक ऑफ ऑक्सीजन. सो देयर इज अ कंडीशन ऑफ इन विच ऑक्सीजन इज देयर बट इन अ वेरी लिमिटेड सप्लाई. सो दैट लीड्स टू ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट इनटू लैक्टिक एसिड, एंड दिस लैक्टिक एसिड व्हेन इट गेट्स एक्युमुलेटेड इन मसल टिश्यू, इट लीड्स टू मसल क्रैम्प. ओके, सो डिस्टिंग्विश बिटवीन लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. ये बेटा सेम चीज है, मैंने आपको बताया जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है उसमें क्या होता है, देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होती ही नहीं है, तो आपका जो पाइरुवेट है वो सीधा सीधा एथेनॉल में टूटता है. फॉर एग्जाम्पल ईस्ट में होता है. देन लैक्टिक एसिड में क्या होता है, ऑक्सीजन है बट वेरी 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 लिमिटेड सप्लाई है, तो उस केस में पाइरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में टूटता है. दोनों में जो एनर्जी बनती है वो 2 ATP ही बनती है. एथेनॉल में क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ एथेनॉल डजंट लीड टू एनी काइंड ऑफ क्रैम्पिंग, बट इन केस ऑफ लैक्टिक एसिड, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड लीड्स टू मसल क्रैम्पिंग. ओके, नाउ द एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल ऑफ आर सेल, इट इज ATP. ओके, द ब्रीदिंग रेट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इज हाई. व्हाई? बिकॉज जो आपका कंसेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वाटर के अंदर, दैट इज क्वाइट लेस. सो आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको बहुत फास्टली ब्रीद इन करना पड़ता है, सो दैट वो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन कैप्चर कर सकें, बिकॉज द कंसेंट्रेशन इज टू लेस. उनकी जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो काफी कम प्रेजेंट है, काफी कम. तो ये ऑब्वियसली इफ दे हैव टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट, सो दे हैव टू इंक्रीज. यस, नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में हम यही डिस्कस कर रहे थे कि दे नीड टू really fast, very मतलब they have to do breathing at a very fast pace in order to get that dissolved oxygen. Okay, now what is the function of mucus and fine hair in the nostrils? देखो बेटा, nostrils हैं, you must have been instructed by a doctor in your lifetime that whenever cold happens na, doctor suggests you finally take breath from your nose only, don't inhale from your mouth, because mouth doesn't have that fine hair and mucus. अब देखो, जो म्यूकस एंड फाइन हेयर है, दे आर बीइंग देयर इन द नॉस्ट्रल्स बिकॉज दे डू अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब. व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट जॉब? दे ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स एंड एनी काइंड ऑफ माइक्रोब्स इनसाइड देम, सो दैट दोज माइक्रोब्स एंड द डस्ट पार्टिकल्स दे डोंट रीच आवर विंड पाइप एंड फाइनली लंग्स. ओके, नाउ गिव द फंक्शन ऑफ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ऑन एलिवेलाय. देखो बेटा, एलिवेलाय जो है, इफ यू रिमेंबर, दैट इज द साइट ऑफ एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज. तो वहां पे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज शुड बी वेरी डेंस, क्योंकि आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना है. सो ऑब्वियसली ब्लड सप्लाई इज क्वाइट रिच ओवर देयर. और एलिवेलाय में भी यही होता है कि सरफेस एरिया इज क्वाइट लार्ज, इट्स लाइक वेरी लार्ज सरफेस एरिया, एंड वहां पे गैसेस एक्सचेंज जो है वो बहुत अच्छे से होता है. नाउ बेटा, नेम द ऑक्सीजन कैरियर एंड मेन कैरियर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन मैन. इट्स हीमोग्लोबिन. Yes, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो इट फॉर्म्स एन अनस्टेबल कंपाउंड विच इज ऑक्सीहीमोग्लोबिन.
और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। दोनों के दोनों जो है वो अनस्टेबल होते हैं, ब्रेक डाउन कर जाते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। सो लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आपका ये हीमोग्लोबिन कंबाइन करता है तो एक स्टेबल कंपाउंड बना देता है। तो इसी वजह से जो पर्सन रात को अंगीठी वगैरह जला के सोते हैं विद क्लोज्ड विंडोज, तो वो यही होता है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही वो इनहेल करने लगता है तो इट कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन, एंड अल्टीमेटली कोई हीमोग्लोबिन रहता ही नहीं है जो ऑक्सीजन को कैरी करेगा। सो व्हेन देयर इज नो कैरियर तो ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा, एंड द पर्सन ही डाइज व्हाइल स्लीपिंग। ओके नेक्स्ट देखो, व्हाई डज हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एक्ट एंड एज एफिशिएंट कैरियर ऑफ ऑक्सीजन देन डिफ्यूजन प्रोसेस। देखो बेटा, हमने जब वी स्टार्टेड स्टडिंग, हम नाइन्थ में भी ये बात पढ़ते आए हैं कि डिफ्यूजन जो है इट्स अ वेरी एनर्जी सेविंग प्रोसेस, क्योंकि क्या होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आपका अपने आप जो है मूवमेंट होता रहता है। बट वेन वी आर टॉकिंग एज एफिशिएंट कैरियर, ऑब्वियसली इन केस ऑफ मैमल्स और पर्टिकुलरली इन केस ऑफ ह्यूमंस, तो आप देखो वी आर अ मल्टी सेलुलर एनिमल, ठीक है, हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, काफी कॉम्प्लेक्स है। अगर हम डिफ्यूजन के सहारे बैठ गए तो क्या होगा, इट विल टेक सम टाइम, इसको टाइम लगेगा क्योंकि ऑब्वियसली इट्स नॉट एनर्जी ड्रिवन, राइट, एनर्जी ड्रिवन तो है नहीं, अपने आप हो रही है प्रोसेस, तो अपने आप तो अपनी मर्जी से ही होगी, हमारी मर्जी से तो चलेगा नहीं है। सो इसीलिए नेचर ने एक पिगमेंट स्पेशल इसको दिया है, RBCs को, जिसका काम ही सिर्फ ये होता है कि आपने ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो हर बॉडी पार्ट तक एज अर्ली एज पॉसिबल पहुंचानी है, बिकॉज इफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज नॉट गेटिंग ऑक्सीजन तो इट विल टर्न ब्लू और वो डेड हो जाता है अगर काफी टाइम तक ये कंडीशन कंटिन्यू रहती है। आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर आप जैसे यहाँ पे भी कोई चीज आप बहुत टाइट यहाँ पे आप वूंड अप कर लो बहुत टाइटली तो क्या होगा, एकदम से सुन होना शुरू हो जाएगा एंड इट विल टर्न ब्लूइश। ठीक है, हम देखते हैं जैसे प्लास्टर के केसेस होते हैं, वो डॉक्टर्स का यही एक वो होता है आइडिया कि प्लास्टर इज नॉट टू टाइट, अदरवाइज क्या होगा आपके जो हैंड्स हैं जहां पे भी प्लास्टर है उसके जो असेंडिंग पार्ट होगा उसमें ब्लूइशनेस नजर आनी शुरू हो जाएगी। नाउ गिव एग्जांपल ऑफ एनी थ्री सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है बेटा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट्स। नाउ नेम द ऑर्गन दैट पुशेस ब्लड अराउंड द बॉडी, इट्स एओर्टा, एंड मेक ब्लड टू रीच टू टिश्यूज, ये क्या करता है भाई, लिम्फ। ओके चलिए नेक्स्ट, ओके नाउ टेल मी, नेम द ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। हार्ट टू लंग्स में कौन सा, यस यस बेटा, हार्ट टू लंग्स इट्स पल्मोनरी आर्टरी, ओके, एंड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट इट इज पल्मोनरी वेन। चैम्बर्स वी विल ड्रॉप, द नेम द डिवाइस दैट मेजर्स ब्लड प्रेशर, इट इज फिगमैनो मैनोमीटर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इट्स 120 बाय 80 mmHg, यस। देन यू हैव व्हाई कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड, फॉर अ वेरी एफिशिएंट गैशियस एक्सचेंज, आपका गैशियस एक्सचेंज एफिशिएंट हो इसीलिए कैपिलरीज जो है दे आर वेरी 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 थिन वॉल्ड। सो विच सेल ऑफ ब्लड हेल्प इन वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग में कौन हेल्प करता है बेटा, इट इज प्लेटलेट्स। ओके, प्लेटलेट्स क्या करते हैं बेटा, आपने देखा होगा जब चोट लगती है तो उसके बाद वी हैव सम यू नो डेड सी एक स्किन कवरिंग आ जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ प्लाज्मा सॉरी प्लेटलेट्स, एंड दोज प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। व्हाट इज द अदर नेम फॉर लिम्फ, कैन एनीवन टेल मी, लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड, टू फंक्शंस ऑफ लिम्फ, यस दे आर वन एंडेड, और इसमें क्या रहता है कि जो लिम्फ है इट विल bring back the carbon dioxide, and lymph जो है it specifically has a large number of WBCs in it, तो ये आपको infection से prevention या protection का काम भी बहुत अच्छे से करता है, ठीक है, तो it brings up all the waste and everything to the blood vessels, and दूसरा it will it has a lot of WBCs in it, so it helps to fight infections also. Next is beta, what is the direction of flow of water in xylem? Water का कैसे होता है? It is upward. Yes, direction of flow तो हमेशा water का upward रहता है. And food का it is bidirectional. Yes. Why do plants need less energy than animals? Is it true? Plants need less energy than us? Yes, it is true because
प्लांट्स दे डोंट शो लोकोमोशन, अब दे आर सेल्फ केपेबल, वो जहां पे खड़े हैं वहीं पे खड़े खड़े उनको फूड मिल जाएगा, दे कैन रिप्रोड्यूस एट दैट वेरी प्लेस, दे कैन ग्रो एट दैट वेरी प्लेस. सो बट एनिमल्स, इन केस ऑफ एनिमल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल हैव टू मूव इन सर्च ऑफ फूड, उनको फूड को सर्च करने के लिए घूमना पड़ता, सो दैट इज वाई दे नीड more energy and they are more complex as compared to plants. There are more organ systems and the organ systems are too complex. Okay, beta. Now the last question, which process acts as a suction to pull water from xylem cells of roots? Aisa kaun sa process hai jo as a suction kaam karta hai taki roots mein se pani jo hai wo xylem cells fatafat absorb karte rahe? Yes, it is transpiration. Okay, so transpirational force is acting as a suction. So we have finished till question number 76 and the rest questions we will do in the coming lectures. Okay.